अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हमारे क्रैश कोर्स का 25वां दिन है और हमारे टॉपिक की अगर मैं बात करूं दैट इज इंडियन हिस्ट्री। और इसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है वो है एंशिएंट पोर्शन, जिसपे मैंने आपको ऑलरेडी दो लेक्चर प्रोवाइड करवाए हैं। अगर हम पहले लेक्चर की बात करें जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया रिगार्डिंग इंडियन हिस्ट्री, साथ ही साथ यहाँ पे हमने सोर्सेज भी पढ़े। और जो हमारा दूसरा लेक्चर था उसमें हमने हरप्पन सिविलाइजेशन या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हो, इसके बारे में पढ़ा। और जो एंड में हमने पढ़ा था, डिक्लाइन पढ़ा था कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका डिक्लाइन किस तरह से हुआ। साथ ही साथ मैंने आपको वैदिक पीरियड के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम जो है वैदिक पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज का वीडियो जो है इसके साथ हमारी एंशियंट हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि मिडिवल एंड मॉडर्न वो हम कब कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं कहना चाहूंगा यहां पे जो क्रैश कोर्स है फिलहाल हम इसे कुछ समय के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि हम जो है यहां पे अग्निवीर की क्लास चलाएंगे, उसके बाद जो बॉर्डर बटालियन है उसके लिए क्लास चलाएंगे और उनके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लाएंगे। इसीलिए ये जो क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं उसको फिलहाल हम स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स मैंने पहले भी कहा था ये आने वाले फ्यूचर के लिए है। तो इसमें हमने बहुत कुछ किया है लेकिन फिलहाल के लिए जो है हम इसे स्टॉप करते हैं, फिलहाल के हम इसे रोक लेते हैं, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मैं बात करूं वैदिक पीरियड की, ठीक है ना, ये मत समझना कि ये क्रैश कोर्स नहीं आगे बढ़ेगा। हाँ आगे बढ़ेगा लेकिन कुछ समय के लिए रुकेगा। हम इसे जो मैंने आपसे वादा किया वो सारा का सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये वैसे जो है नए साथियों के लिए जो हमारे साथ नया सफर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर बटालियन की किस्मत में इतने लेक्चर्स थे तो इतने ही काफी हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं वैदिक पीरियड की, तो जो हमारा वैदिक पीरियड है मैंने आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया, इसके बारे में मैंने आपको बताया इसका जो टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 1000 BC तक इसका टाइम पीरियड था। और जो मैक्स मिलर था उसके द्वारा ये बताया गया जो आर्यनस थे वो कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, और उन्हीं के द्वारा जो है वैदिक सिविलाइजेशन फाउंड की गई थी, या आप कह सकते हो कि वैदिक पीरियड जो है उसी उन्हीं के द्वारा यहां पे स्टार्ट किया गया था। तो ये जो आर्यनस आए थे अराउंड 2000 BC या 1500 BC के आसपास ही आए थे। पहले ये सप्ता सिंधु, ये जो पांच प्लेसेस थी पंजाब के जो नियर बाई पांच प्लेसेस थी, यहां पे ये रहे। उसके बाद ये जो है सेटल हुए कहां पे, गंगेटिक वैली में। और ये जो यहां पे इन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन चलाई उसको दो भागों में हिस्टोरियन के द्वारा डिवाइड किया गया, पहला अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। अगर मैं अर्ली वैदिक पीरियड की बात करूं इसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 600 BC तक है, और लेटर वैदिक की अगर मैं बात करूं 600 से लेकर 1000 BC तक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट यहां पे पढ़ना करते हैं जो लेटर वैदिक पीरियड है, सॉरी जो अर्ली वैदिक पीरियड है, या आप कह सकते हो कि वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड आप कह सकते हो। अगर मैं यहां पे लिटरेचर की बात करूं दैट इज ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्वा वेदा, तो यहां पे हम इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने सोर्सेस में आपको अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, तो यहां पे इनको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, हम अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं या वैदिक एज आप कह सकते हो, जिसका टाइम पीरियड क्या है, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको अभी अभी बताया 1500 से लेकर 600 BC तक जो है इसका टाइम पीरियड है। तो यहां पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जब मैंने आपसे कहा था कि जो आर्यनस थे वो जब सेटल हुए उनसे पहले कौन थे, यहां पे जो स्टोन एज से हम पढ़ते आ रहे हैं वो जो लोग बसे किस तरह से उनने बसना स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैमिलीज बन गए, फिर जो है रहना स्टार्ट किया, उनने सिविलाइजेशन बनाई, ठीक है ना, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप कह सकते हो। फिर जब बड़ा बड़ा हुआ, जब फैमिलीज बन मिलने लगी, तो मतलब एक विलेज वजूद में आया, जब विलेज वजूद में आया तो ट्राइब बनने लगी, इसी तरह से जो है ना, मतलब वो जो लोग है उनका फैलाव बढ़ने लगा, आहिस्ता 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 वो जो है ट्राइब बनने लगी, किंगडम बनने लगी, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं जो अर्ली वैदिक एज के पीरियड में जो किंगडम था वो ट्राइबल था, ट्राइबल इन कैरेक्टर, और ईच ट्राइब फॉर्म ए सेपरेट किंगडम। यानी कि मैंने आपसे कहा ना जो इंडस वैली पीपल थे जब वो मिलने लगे, जब वो रहने लगे, एक ही जगह सेटल होने लगे, फिर जब उनकी फैमिलीज बड़े हुए वो अलग रहने लगे, तो अलग अलग घर बसने लगे, दैट मीन विलेज वजूद में आ गई। जब विलेज भी बढ़ने लगे तो फिर जो है यहां पे उन्हें संभालने के लिए राजा की जरूरत पड़ी, इसी तरह से आप समझ सकते हो। यानी कि ट्राइब वजूद में आने लगे, इसी तरह से फिर किंगडम वजूद में आने लगी,
इसी तरह से फिर ये शासन आगे आगे चलेगा, यानी कि फिर यहां पे हुकूमत स्टार्ट हो जाएगी, किंगशिप यहां पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे जो बेसिक यूनिट था वो क्या था, वो था कुल्ला या फैमिली कह सकते हो, और जो हाईएस्ट यूनिट था, यूनिट आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि ये फैमिलीज का मिलना फिर कॉम्बिनेशन बनना, इसी को कहते हैं यूनिट। तो जो हाईएस्ट यूनिट था वो था जना या ट्राइब आप कह सकते हो, और यहां पे बहुत सारे ट्राइब्स थे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की मैं बात करूं, दैट इज भरताज, मत्स्याज, ये जो है थे अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के कुछ ट्राइब्स थे। अगर मैं इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूं तो ये जो अर्ली वैदिक लोग थे, जो पीपल थे, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ये किस तरह से इकोनॉमी करते थे। अगर मैं बात करूं आर्यनस की, ठीक है ना, ऋग्वेदिक आर्यनस आप कह सकते हो या अर्ली वैदिक एज आप कह सकते हो, हम वही पढ़ रहे हैं, तो ये पास्टोरल पीपल थे, ठीक है ना, और इनका जो ऑक्यूपेशन था वो था कैटल रियरिंग, मैन ऑक्यूपेशन। पॉइंट पूछा जा सकता है अर्ली वैदिक एज में जो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब जो थी वो किस तरह से थी, तो ये क्या थे, पास्टोरल पीपल थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैन ऑक्यूपेशन क्या था ज्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, तो वो था कैटल रियरिंग, पॉइंट नोट डाउन कर लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूं वेल्थ किसमें एस्टिमेट की जाती थी, आज 2022 चल रहा है, अगर मैं बात करूं यहां पे अगर आपसे पूछा जाए किसी की इकोनॉमी किस तरह से जनर मतलब एस्टिमेट की जाती है, वो उसके पास कितने पैसे हैं, यानी कि आज पैसे देखे जाते हैं, अमीरी पैसों से देखी जाती है। उस जमाने में अमीरी जो थी कैटल से देखी जाती थी, दैट मीन जिसके पास जिसने जितने कैटल होंगे वो उतना अमीर, ठीक है ना, कंसिडर किया जाता था। और साथ ही साथ कारपेंट्री भी जो थी यहां का अनदर इंपॉर्टेंट प्रोफेशन था, लेकिन जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था कैटल रियरिंग, की भी नोट डाउन कर देना। अब रिलीजन की अगर मैं बात करूं, यहां पे लोग किस तरह के मतलब उनका जो यकीन था, उनका जो रिलीजन था वो क्या था। यहां पे अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, दैट इज पृथ्वी, यानी कि अर्थ को ये पूजते थे, अग्नि फायर को ये पूजते थे, वायु विंड को ये पूजते थे, वरुणा रैन को ये पूजते थे, इंद्रा जो कि थंडर का गॉड माना जाता था इसको ये पूजते थे, और ये भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। पृथ्वी किसका गॉड कहलाता है, अर्थ का। अग्नि किसका गॉड कहलाता है, फायर का। वायु किसका गॉड कहलाता है, विंड का। वरुणा किसका गॉड कहलाता है, रैन का। इंद्रा किसका गॉड कहलाता है, थंडर का। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ जो मोस्ट पॉपुलर गॉड था इन सब में से, ठीक है ना, पृथ्वी अग्नि वायु वरुणा, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कंसिडर किया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में वो कौन था, वो था इंद्रा, गॉड ऑफ थंडर भी इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ यहां पे अगर मैं बात करूं फीमेल गॉडेस भी यहां पे लाइक जो है अदिति, ठीक है ना, उषास, ये जो थी फीमेल गॉडेस थी यहां पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो है टेम्पल्स देखने को नहीं मिले, देयर वेर नो टेम्पल एंड नो आइडल वर्शिप। सीधी सी बात है, जब यहां पे टेम्पल ही नहीं थे तो मूर्ति पूजा यहां पे देखने को नहीं मिलती थी, जिस तरह से हमारे हिंदू भाई जो है मूर्ति पूजा करते हैं। एक मिनट वेट कीजिए, मैं चार्ज में लगा देता हूं इसको। चलिए लग गया चार्ज में ये, हाँ अब ठीक है, ठीक है ना। तो जिस तरह हमारे हिंदू भाई जो है मूर्ति पूजा आज करते हैं, तो यहां पे मूर्ति पूजा देखने को नहीं थी अर्ली वैदिक पीरियड में, और यहां पे कोई भी टेम्पल देखने को नहीं मिला। तो साथ ही साथ यहां पे अगर मैं बात करूं ऋग्वेदिक रिवर्स, यानी कि कुछ रिवर्स हैं उनका ऋग्वेदिक मतलब इस शासन में उनको अलग नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि पूछे जाते हैं। अगर मैं इंदस की बात करूं, इसे सिंधु के नाम से जाना जाता था। जहलम की अगर मैं बात करूं, वेतस्ता के नाम से जाना जाता था। चिनाब की अगर मैं बात करूं, अस्कनी के नाम से जाना जाता था। रावी रिवर की अगर मैं बात करूं, परुशनी के नाम से जाना जाता था। ब्यास की अगर मैं बात करूं, विपासा के नाम से जाना जाता था। सतलुज की अगर मैं बात करूं, शुतुद्री के नाम से जाना जाता, और गोमती की अगर मैं बात करूं, गोमल के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट डाउन कर लेना, इंडस, सिंधु, जहलिम, वेतस्ता, चिनाब, अस्कनी, रावी, परुशनी, ब्यास, विपासा, सतलुज, शुतुद्री, गोमती, गोमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट डाउन कर लेना, सारे के सारे अभी से टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए। इसके बाद यहां पे अगर हम लेटर वैदिक एज पे आ जाते हैं, ठीक है ना,
लेटर वैदिक एज की अगर मैं बात करूं तो इसका टाइम पीरियड क्या था, 600 से लेकर 1000 BC तक, ये था लेटर वैदिक एज का, या लेटर वैदिक पीरियड आप कह सकते हो, इसका टाइम पीरियड था। अगर मैं लेटर वैदिक पीरियड की बात करूं, इसे जो है इपिक एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। रामायण एंड महाभारत इसी शासन में लिखी गई, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड इपिक एज। और सामवेदा की अगर मैं बात करूं, अथर्वेदा की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, ब्राह्मण्स की अगर मैं बात करूं, आर्यंकास की अगर मैं बात करूं, ये जो कुछ सोर्सेस हैं, रिलीजियस सोर्स भी आप मान सकते हो, ठीक है ना, रिलीजियस बुक्स हैं ये, तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग लेटर वैदिक एज। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, इनसे हमें लेटर वैदिक एज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए अगर मैं बात करूं लेटर वैदिक एज की, तो यहां पे जो है आयरन का यूज सबसे ज्यादा होने लगा। तो जब आयरन का यूज सबसे ज्यादा होने लगा, इस आयरन से जो है डिफरेंट टूल्स बनाए बनाए गए लोगों के द्वारा, तो फिर जब ये आयरन का ज्यादा यूज हुआ, इससे जो है कुछ टूल्स बनाए गए, उन टूल्स की बिना पर जो लोग हैं, जो यहाँ पे पीपल थे लेटर वैदिक एज के, वो जो है फॉरेस्ट को क्लियर करने में सफल रहे, यानी कि वो जो है फॉरेस्ट को लैंड में कन्वर्ट करने के लिए सफल रहे ड्यू टू आयरन, क्योंकि उसके उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन थी, और इसकी वजह से, आयरन की वजह से वो जो है कुछ टूल्स बनाने में सफल जो है हुए, सफलता प्राप्त हुई उनको, और वो जो है फॉरेस्ट को क्लियर करने में सफल हुए। और साथ ही साथ जब उनने फॉरेस्ट क्लियर किया तो उनके अंडर जो है लैंड आ गई बहुत ही ज्यादा, दैट मीन वो जो है लैंड कल्टीवेशन ज्यादा ज्यादा करने लगी, और जब लैंड कल्टीवेशन ज्यादा हुई उनको बेनिफिट मिला, दैट मीन यहाँ पे वो जो है ज्यादा ज्यादा उसमें जो है बीज उगाने लगे अच्छी तरह से, जो है उनको जब बेनिफिट मिला तो ये उनका ऑक्यूपेशन बन गया, चीफ ऑक्यूपेशन बन गया, मैन ऑक्यूपेशन बन गया। पॉइंट पूछा जा सकता है लेटर वैदिक एज में जो मैन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, वो था एग्रीकल्चर, पहले क्या था, कैटल रेयरिंग। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, सोसाइटी में एक खराबी पैदा हो गई, दैट इज डिविजन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को डिवाइड किया गया, कब, लेटर वैदिक एज में, यहां से अब खराबी पैदा होने लगी। ये जो डिवीजन हुआ सोसाइटी का, जिसे आप वर्णा सिस्टम भी कहते हो, ठीक है ना, इसे वर्णा सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जो डिवीजन हुआ सोसाइटी का लेटर वैदिक एज में, इसमें क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे, क्षेत्रियाज थे, वेश्याज थे, शूद्रास थे, इनको अलग अलग डिवाइड किया जाने लगा। लेकिन पहले पहले ये जो वर्णा सिस्टम था, ये जो डिवीजन था सोसाइटी का, ये किसी हद तक सही था, सही भी नहीं था, लेकिन यहां पे जो लोगों में जो है अन इक्वलिटी नहीं थी, लोग जो है डिवाइड किए गए थे, लेकिन ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन, अगर वो मतलब अच्छे पोस्ट पे है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, अगर उससे लो पोस्ट में उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, अगर कोई मजदूर तबके से वाबस्ता है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, अगर कोई कारपेंटर है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, अगर कोई एम्प्लॉय है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, दैट इज ये जो डिवीजन था सोसाइटी का, ये ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन था, ये जो है हेरिडिटी पे नहीं था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में खराबियां पैदा होने लगी, ये जो डिवीजन है ये बना ऑन द बेस ऑफ कास्ट, और यहां पे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाने लगा, और यहां पे जो चेंजेस आई, देखिए पहले जो इंदिरा क्या माना जाता था, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड माना जाता था, लेकिन यहां पे जो है जो इंदिरा था, अग्नि मतलब जो ये जो इंपॉर्टेंट गॉड्स माने जाते थे, इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। अब यहां पे प्रजापति, विष्णु, रुद्रा, इनको जो है इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कंसिडर किए जाने लगे, कब, लेटर वैदिक एज में, ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए यहां पे मैंने आपसे कहा ना, जब ये ड्यूजन आ गया, अब यहां पे थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ रिलीजन्स के बारे में, ठीक है ना, जिस तरह से जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, शिविज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, तो इनके बारे में आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से जो है यहाँ पे रिलीजन्स का जो है रिलीजन्स किस तरह से यहाँ पे वजूद में आ गए।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोसाइटी की, तो मैंने कहा ना कि सोसाइटी में खराबी पैदा होने लगी। देखिए इस तरह से क्या हुआ, वर्ना सिस्टम हो गया, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाने लगा, औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाने लगा। और साथ ही साथ यहाँ पे गॉड्स को देखिए, पहले उनको इंपॉर्टेंस दी गई, अब यहाँ पे इनको इंपॉर्टेंस दी गई। जो यहाँ पे जानने वाले थे, यानी कि जो ज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने भी जो है अपने आप को इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देने लगे। वो ये कहने लगे लोगों से कि हमें इंपॉर्टेंस जरूरी देनी है, अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आपको कोई सेक्रीफाइस करनी है, अगर हम उस सेक्रीफाइस में नहीं होंगे, अगर हमने वो सेक्रीफाइस नहीं की, अगर आपने इतनी बख्शिश हमें नहीं दी, वो नहीं किया, ये नहीं किया, तो आपकी सेक्रीफाइस कबूल नहीं होगी, ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी आपके ऊपर। इस तरह से जो है, मतलब ये जो है अपनी मिथ क्रिएट करने लगे। तो सोसाइटी में इससे क्या होगा, हुआ खराबियां पैदा होने लगी, यानी कि लोग ये समझ लगे कि वो करना है, ये करना है। ये जो ज्ञानी लोग थे अपने ज्ञान का जो है गलत फायदा उठाने लगे, ये आप इस तरह समझ सकते हो। लेकिन सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग भी थे, जो कि जानने वाले लोग थे, जिनको इनकी बातें जो है ठीक नहीं लगी। वो ये कहने लगी कि अगर हमें सेक्रीफाइस करनी है, चलो मानते हैं हमें सेक्रीफाइस करनी है, मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर हमें सेक्रीफाइस करनी है, वो जो है ऊपर वाला उसे कबूल करे या ना करे, वो उसके बस में है। लेकिन ये ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि अगर हम इसमें मुलवस नहीं हुए, अगर हमारे जरिए इस तरह से नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, तो ये कबूल नहीं होगा। तो इस तरह से जो है बहुत सारी खराब है जो है सोसाइटी में आने लगी। लेकिन जो सोसाइटी में उस समय जो है मतलब ज्ञानी लोग थे, वो ये इनकार कर बैठे, ठीक है ना, वो जो है इसको एक्सेप्ट, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे फिर जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, शिविज्म आया, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आया, ठीक है ना। तो जैनिज्म की अगर मैं बात करूँ, इसके फाउंडर कौन थे, ऋषभ देवा थे। यानी कि जब इसने भी इस तरह से सोसाइटी में देखा, तो ये क्या हुआ, इसने जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए चला गया, फिर इसको ज्ञान हुआ, फिर लोगों को उसने समझाया, जो इसको फॉलो करने लगे वो जैनिज्म की कैटेगरी में आ गए, ठीक है ना। इसी तरह से बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा, इसको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर लोगों को इसने समझाया, जो भी ज्ञान उसको प्राप्त हुआ था लोगों को समझाया, तो जिन लोगों ने इसको फॉलो किया वो बुद्धिज्म की कैटेगरी में आ गए। ऋषभ देवा की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, पहले तीर्थंकर थे किसके, जैनिज्म के, और टोटल यहाँ पे 24 पाए जाते हैं। और अगर मैं गौतम बुद्धा की बात करूं, इसे जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ इसका जो चाइल्डहुड नेम था वो था सिद्धार्थ। और अगर मैं इसके ड्योबी की बात करूं, 563 BC में ये पैदा हुए, कहां पे, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में पैदा हुआ है। इस्लाम की अगर मैं बात करूं, इसके फाउंडर कौन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 570 AD में जो है बॉर्न हुए हैं। अगर हम इसके वालिद साहब की बात करें, हजरत अब्दुल्ला, ठीक है, और साथ ही साथ इसके वालिदा की अगर हम बात करें, बीबी आमिना जो है इसके वालिदा का नाम था। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया रिलीजियस के बारे में। अब हमें जो डायनास्टी पढ़नी है वो है हरियाणा डायनास्टी, नंदा डायनास्टी, मौर्यन एम्पायर, संगम एज या गुप्ता पीरियड। देखिए अगर हम इन डायनास्टी की बात करें, एंशियंट पीरियड में हरियाणा डायनास्टी, नंदा डायनास्टी, मौर्यन एम्पायर, संगम एज या गुप्ता पीरियड, यहां पे डायनास्टी किस तरह से आई। देखिए सबसे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट में आ जाए। जब मैंने आपको पढ़ाया था इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन वहां पे, ठीक है ना, वो जब ट्राइब्स जब बढ़ने लगे, वो किंगडम बनाने लगे इस तरह से, उन्हीं में से जो एक ट्राइब, जो पावरफुल किंगडम है आप कह सकते हो, जो पावरफुल किंगडम बनी, उन्हें महाजनपदास के नाम से जाने जाना लगा, उन्हें महाजनपदास कहते थे। तो उन्हीं की बदौलत जो है जब वो आगे आगे बढ़े, इसी तरह से जो है फिर यहां पे आहिस्ता आहिस्ता डायनास्टी भी वजूद में आ गई, दैट इज हरियाणा का डायनास्टी। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हरियाणा के डायनास्टी के बारे में, इसके बारे में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊं जो कि आपको नोट डाउन कर लेने। सबसे पहले अगर मैं हरियाणा का डायनास्टी की बात करूं, इसका फाउंडर कौन है, बिंबिसार इसका फाउंडर है। जो पॉइंट्स आपके पूछे जा सकते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो बिंबिसार थे हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर। साथ ही साथ यहां पे अगर मैं बात करूं इस बिंबिसार की, तो इसने जो है कुछ ही समय तक हरियाणा डायनेस्टी में रूल किया, फिर यहां पे डेथ तो होनी है, किसी ना किसी के जरिए यहां पे इसको मरना है, हर एक को मरना होता ही है। तो गद्दी के लालच में इसका जो बेटा था अजात शत्रु, उसने अपने पिता को मार दिया। देखो लालच कितनी बुरी चीज है, ठीक है ना।
अजात शत्रु जो कि इसके पिता थे, अरे बेवकूफ बंदे, अपने बाप के बाद तो तुम्हें गद्दी संभालनी थी, अपने बाप को बैठने देते बेवकूफ। चलो कोई बात नहीं, यहां पे लालच कुछ भी कर लेती है, लालच इंसान से कुछ भी करवाती है, लेकिन अल्लाह बचाए ऐसे लालच से। तो इसने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद गद्दी पे बैठ गया। तो फिर होना क्या था, जैसी करनी वैसी बरनी। तो यहां पे अजातशत्रु ने कुछ समय तक रूल किया, फिर उसको भी जो है अपने बेटे ने मार दिया। इसी तरह से सिलसिला चलता गया। फिर अगर मैं लास्ट रूलर की बात करूं तो लास्ट रूलर कौन थे, लास्ट रूलर जो हरियाणा डायनेस्टी के वो थे नागा दशक। नागा दशक लास्ट रूलर थे, पॉइंट नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे पूछे जा सकते हैं। तो नागा दशक की अगर मैं बात करूं, इसको भी जो है शीश नाग के द्वारा मार दिया गया, मृत्यु दी गई, मृत्यु दंड दिया गया। किसके द्वारा, शीश नाग के द्वारा। किसको, नागा दशक को, जो कि लास्ट रूलर थे कहां के, हरियाणा डायनेस्टी के थे। तो शीश नाग ने यहां पे फिर क्या किया, फिर यहां पे नाग डायनेस्टी यहां पे वजूद में आ गई। फिर इसी तरह से ये भी चलती रही, आहिस्ता आहिस्ता फिर इस पे भी अटैक हो गया, ये भी यहां पे डिस्ट्रॉय हो गई। फिर यहां पे जो है नंदा डायनेस्टी वजूद में आती है। तो नंदा डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, इसके फाउंडर कौन थे, महापद्मा नंदा जो थे, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे। और लास्ट रूलर की अगर मैं बात करूं इस नंदा डायनेस्टी का, वो था गणा नंदा। उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नंदा डायनेस्टी, बस इतने दो तीन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो। और गणानंदा की अगर मैं बात करूं, इसको भी मारा गया किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको मारा गया। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पे मौर्यन एम्पायर वजूद में लाई। अब ये नंदा डायनास्टी, नाग डायनास्टी, ये आपको नहीं पढ़नी थी, लेकिन एक स्कैनस में लाने के लिए, इन टच में लाने के लिए मैंने आपको ये समझाया कि किस तरह से मौर्यन एम्पायर वजूद में आती है, किस तरह से मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश होती है। अब यहां पे अगर मैं मौर्यन एम्पायर की बात करूं, बस कुछ ही समय बचा है हमारा, जो एंशंट पोर्शन है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मौर्यन एम्पायर की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से मैंने आपको अभी कहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसको मारा, गणानंदा को, जो कि नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, और यहां पे मौर्य डायनेस्टी की एस्टेब्लिश की चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसने भी कुछ देर तक यहां पे रूल किया, अल्टीमेटली जो है इसका भी वक्त आ गया, और इसके बाद यहां पे बिंदुसार यानी कि सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य यहां पे नेक्स्ट रूलर बने हैं, किसके, मौर्यन एम्पायर के। तो फिर बिंदुसार ने भी कुछ समय तक रूल किया यहां पे, अल्टीमेटली इसकी भी तो यहां पे एंड होना है। तो इसके बाद इसका बेटा यहां पे आता है, दैट इज अशोका, जो कि बिंदुसार का बेटा था, और ये नेक्स्ट किंग यहां पे बनता है। लेकिन अशोका कान पकड़ने चाहिए इसके रूल से, बहुत ही वांटेड रूलर था ये, ठीक है ना, हिटलर का मुझे लगता है कि नाम ही है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं अशोका की, तो ये भी कहा जाता है कि जो अशोक है इसने अपने बाप की हत्या की है, ठीक है ना, कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं। तो अशोका की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही जालिम रूलर था, जो इसकी तलवार के आगे आ जाता था उसका सर कलम करके छोड़ता था, फिर चाहे वो कौन हो कौन नहीं हो ये नहीं देखता था। तो लेकिन एक बार ऐसा हुआ, अशोका जो थे इसने एक वार लड़ा, दैट इज कलिंगा वार, 261 BC में इसने ये वार लड़ा जिसका नाम है कलिंगा वार। तो उसके बाद ये जो अशोका था, इतना खून बहाया इसने, इतने बेगुनाहों का खून बहाया, बहुत कुछ, खून की नदियां, हिस्टोरियन कहते हैं कि जिस तरह से खून की नदियां बहती है उसी तरह से जो है बेगुनाहों का खून बहा था इस वार में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, बहुत कुछ यहां पे जो है नुकसान देखने को मिला। लेकिन अशोका, पता नहीं क्या हुआ, अशोका की नजर अचानक जब उन मासूम चेहरों पे पड़ी, जो कत्ल इसने किए थे उनके चेहरों पे नजर पड़ी, उस खून पे नजर पड़ी, चीखने चिल्लाने की आवाजें जब उसने सुनी, तो इसके दिल में कुछ खड़बड़ी सी हो गई, हलबली सी हो गई, इसको एहसास हो गया, बहुत रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा। तो जब इसको एहसास हुआ तो इसने जो है, मतलब इसको अब एक ही रास्ता देखा कि अब मुझे क्या करना है, मैंने बहुत कुछ किया इस गद्दी के चक्कर में, मैं पता नहीं किस किस हद में पड़ गया, मैंने क्या किया, बेगुनाहों का खून बहाया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, वो ये। तो अल्टीमेटली जो है इसका दिल टूट गया, और इसने जो है अपना रिलीजन भी चेंज किया, ठीक है ना। तो फिर इसने नया रिलीजन अपनाया, वो कौन सा रिलीजन इसने अपनाया वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। फिर इसने रिलीजन भी चेंज किया आफ्टर कलिंगा वार।
तो फिर जो है जब इसने रिलीजन चेंज किया, सब कुछ इसने मतलब ये खून बहाना छोड़ दिया। यहां पे क्या हुआ, जब अशोका ने सब कुछ खून बहाना वगैरह छोड़ दिया, तो अल्टीमेटली ये जो है आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पायर जो है वीक होने लगी, ठीक है ना। और अगर मैं मौर्यन एम्पायर की बात करूं, लास्ट रूलर कौन थे, या लास्ट किंग आप कह सकते हो, वो थे बृहदत्त, ठीक है ना। बृहदत्त यहाँ के लास्ट रूलर थे। और फिर अल्टीमेटली इसको भी यहाँ पे जो है पिशुमित्र सुंगा के द्वारा क्या किया गया, इसको जो है मार दिया गया। फिर इसके द्वारा जो है एक डायनास्टी फाउंड की गई, दैट इज शुंगा डायनास्टी। फिर अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो है यहाँ पे जब वीक रूलर आए, यहाँ पे जो है अल्टीमेटली क्या हो गया, इस डायनास्टी का जो है डिक्लाइन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर की अगर मैं बात करूं, इसे जो है गोल्डन एज के नाम से भी कंसिडर किया जाने मतलब गोल्डन एज के नाम से भी जानते थे या जानते हैं, ठीक है ना। गोल्डन एज के नाम से भी जो है गुप्ता एम्पायर को कहते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर इससे गोल्डन एज के नाम से जानते हैं, तो कुछ ना कुछ वजह होगी। हाँ, वजह ये है क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो है डेवलपमेंट्स हुई, ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो फाउंडर की अगर मैं बात करूं, दैट इज श्री गुप्त, ठीक है ना। श्री गुप्ता या श्री गुप्ता आप कह सकते हो, फाउंडर है गुप्ता एम्पायर के। लेकिन जो रियल फाउंडर है, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्री गुप्त के द्वारा जो है फाउंडेशन डाली गई, यानी कि फाउंडर इसको माना जाता है, लेकिन जो एक्चुअल फाउंडर है, रियल फाउंडर है, दैट इज चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसको जो है गुप्ता एम्पायर का रियल एंड एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। टाइम पीरियड यहां पे आप देख सकते हो इसका टाइम पीरियड क्या है। और यहां पे जो है समुद्रगुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट रूलर रह चुके हैं गुप्ता एम्पायर के। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट रूलर रह चुके हैं। यहां पे आप टाइम पीरियड नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद कुमार गुप्ता आए, एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वीक रूलर्स आने लगे। अल्टीमेटली यहाँ पे जब वीक रूलर्स आने लगे, तो गुप्ता एम्पायर भी जो है डिक्लाइन हो गई, और इसी के साथ हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि डे 1 से लेकर आज डे 25 है, लेकिन अभी भी हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो क्रैश कोर्स हमारा चलेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। तो जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं, उनकी किस्मत में भी ये 25 दिन थे। बहुत कुछ आप लोगों ने भी पढ़ा है इस क्रैश कोर्स के, इस क्रैश कोर्स में। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगे कि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम जो है कुछ समय के लिए इस क्रैश कोर्स को रोक रहे हैं। यहाँ पे हमने जो एंशंट मैंने आपको कंप्लीट करवाया, क्योंकि इसके बाद मेडिवल एंड मॉडर्न, उसमें भी टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जो है मैं नहीं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं, उनको जो है उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करना है, उनके लिए मॉक टेस्ट वगैरह लाने हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो है 5-10 दिन की गैप देकर जो है उनके लिए कुछ मटेरियल रेडी करें, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो यहाँ पे हमने आज एंशंट वाला पोर्शन कंप्लीट किया। इसके बाद हमें मेडिवल पढ़ना है, उसके बाद हमें मॉडर्न पोर्शन पढ़ना है, और फिर हमारा जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है हमारे क्रैश कोर्स का, थ्योरी टाइप जो क्रैश कोर्स है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी ये क्रैश कोर्स नहीं रुकेगा, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा, आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ये मत कहना कि ये क्रैश कोर्स रुकेगा नहीं, कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है कि बॉर्डर बटालियन की किस्मत में इतनी क्लासेस थे, अब आपका एग्जाम भी जल्दी होगा, तो आप आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लाएंगे, अब वहां जिनसे आपको हेल्प मिलेगी। तो मे बी अगर मुझे हो मुझसे पॉसिबल हो पाए, तो मैं मिडिवल एंड मॉडर्न पोर्शन भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जल्दी। लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए इस क्रैश कोर्स को हम यहीं पे रोक लेते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि जो अग्निवीर की क्लास है वो हमारी चल रही है, साथ ही साथ बॉर्डर बटालियन के लिए भी जो है प्रैक्टिस सेट चलेंगे, मॉक टेस्ट चलेंगे, साथ ही साथ जो हमारी सीरीज भी चल रही है वो भी अब चलेगी, ठीक है ना। आप टेंशन ना लें। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मॉक टेस्ट लाएं, रिविजन करें जो हमने पढ़ा है, रिविजन करें उसका, मॉक टेस्ट लाएं अच्छी तरह से, ताकि आपको भी जो है अपने आपको परखने का मौका मिले, जो आपने पढ़ा है आपको ये परखने का मौका मिले कि कितना आपने याद रख पाए हो। तो आई होप इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और इससे पहला वाला वीडियो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है, इम्पोर्टेंट है, मिस मत करना। आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़।